आज जिला राठौर महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार राठौर के नेतृत्व में एसपी सिटी कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें राजकुमार राठौर द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे समाज के उपभासपति प्रतिनिधि संजय राठौर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा थाना लाइन पार में लिखवाया गया है। इसको लेकर राठौर महासभा के सभी पदाधिकारी व पार्षदगण एसपी सिटी कार्यालय पर आए हैं। कहा, रामनगर में छोटी सी कहानी पर एक जातीय संघर्ष पैदा करना, झूठे मुकदमे में फंसाना, इसको लेकर राठौर समाज घोर निंदा करती है। अगर हमारे उपसभापति प्रतिनिधि को अगर नहीं आरोपों से बरी किया गया तो उसको लेकर हम आंदोलन करेंगे। ऑडियो वायरल होने को स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। राजकुमार जी, आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्या वजह? जिला राठौर महासभा के नेतृत्व में हमारे समाज के उपसभापति प्रतिनिधि संजय राठौर, उनके खिलाफ जो झूठा मुकदमा थाना लाइन पार में 21 तारीख को लिखाया गया है, उसी के संज्ञान को लेते हुए राठौर महासभा के सभी पदाधिकारियों ने और सभी पार्षदगणों ने, शहर के सभी पार्षदगण एसपी सिटी साहब से आज ज्ञापन दिया है। प्रदीप गुप्ता जी पनाट के यहाँ आए रामनगर में, छोटी सी कासुनी पर एक जाति संघर्ष पैदा करना से तूल देना समाज के, उसमें झूठे मुकदमे फंसाना, चुनावी को देखते हुए झूठे मतलब फंसाना, ये घोर राठौर समाज घोर निंदा करती है। हमने आज एसपी सिटी साहब से बात की है, अगर हमारे उपसभापति प्रतिनिधि को अगर नहीं करा गया तो हमारी समाज जात के सभी पार्षद जी को लेकर के, समाज के सभी संगठनों को लेकर के आंदोलन करेगी अगर झूठा फंसाया जाता है तो। देखा जा रहा था कि ऑडियो भी वायरल हुआ था गाली गलौज करने का, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऑडियो तो दोनों तरफ से हुए हैं, लेकिन इनका ऑडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि एक वहाँ के जो नेता हैं वो चुनावी रंजिश मानते हैं, इनका तो ऑडियो उन्हें बना लिया, लेकिन जो उन्होंने पिनाट जो गुप्ता जी आए उन्होंने भद्दी गालियाँ दी, घर में घुस के मारपीट की, उसका किसी ने ऑडियो नहीं बनाया। आप पुलिस के पास क्यों? हम पुलिस के पास अपने सभापति के लिए आए, सही जांच हो, अगर जांच झूठी है तो हमारे खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए।